गुड मॉर्निंग बच्चों, आज दिनांक 27 जुलाई 2021, वार प्रथम से दसम वर्ग तक, विषय गीता पाठ संस्कृत, अध्याय 2, श्लोक नंबर 55 पढ़ाई होने जा रही है। आप लोगों को गीता पाठ के शुभ अवसर पर आप सबों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। और आप लोग गीता पाठ को प्रेम भाव से शांति से सुनिए और शांति इसमें होना अति आवश्यक है। पवित्र भाव रखिए मन को, और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी है, आप लोग श्लोक को सुने। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतम मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्ट अस्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। एक बार आप सुनिए। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोयताम आत्मन्ने वात्मना तुष्ट अस्थित प्रज्ञा दोच उच्यते। आविष्कार सुनिए बच्चों, भगवान श्री कृष्ण की जो अमृत वाणी है, आप लोग इनका अर्थ को सुनिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे परमतप अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह अस्थित प्रज्ञ कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इसके पहले भी आप लोग सुने थे 54 श्लोक नंबर 54 में कि अस्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि स्वस्थ के सब अस्थिर धी किम प्रभाषित किम आसित ब्रजेत क्यम। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछे थे कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए अस्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है। वह अस्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। आप लोगों ने कल आपको सुनाया गया था श्लोक नंबर 54 में, तो उसका उत्तर जो है आज भगवान श्री कृष्ण जो है आज श्लोक नंबर 55 में आप लोग सुने कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे परम तप अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह अस्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, इस गीता पाठ को आप पवित्र मन से सुनिए, पवित्र मन से आप इसको समझिए। आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाए कि जो परमात्मा में, यदि आत्मा आपको परमात्मा में जब तक नहीं लगेगा, तब तक आपकी कोई कुछ भी मनोवांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता है और ना तो आपको किसी काम में आपको सफलता मिल सकती है। इसके लिए समत्व बुद्धि समत्व रूप योग में लग जाना है। समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता लाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सम बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसलिए बच्चों,
आप लोग भी कर्तव्यनिष्ठ बनिए, माता पिता का आज्ञाकारी बनिए, भगवान पर भरोसा रखिए और सत्यनिष्ठ काम से काम कीजिए। अच्छी स्थिति आपको हर एक कामों में सफलता मिलेगी। और आज मंगलवार है, गणेश बलि का दिन है, आप लोगों को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना प्रदान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।